साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सौरभ चौधरी। आज साथियों कुछ भूले भुले कमेंट जो आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। इनको अलग से मैंने कमेंट छांट लेता हूं, जिनका कोई मतलब सब 5-6 कंट्रीब्यूट एक ही साथ हो जाता है तो वो मोटिवेशन के लिए काम आते हैं। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। एक भाई राकेश जवान बोलते हैं कि सर क्या सिंगापुर कंपनी पहले पैसा जमा करता है फिर वीजा देता है? भैया देखिए, सिंगापुर क्या कोई कंपनी ऐसी नहीं होती जो पहले पैसा जमा करता है फिर वीजा देता है। ये तो एजेंटों की मेहरबानी होती है, ये तो ऑफिस वालों की मेहरबानी होती है कि पहले पैसा जमा कर लेते हैं फिर वीजा अप्लाई करते हैं। वो भी ठीक है, पैसा जमा हो गया वीजा आ गया तो नो प्रॉब्लम। वीजा पैसा भी चला गया, पासपोर्ट भी चला गया, वीजा भी नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है। कंपनियां सिंगापुर कंपनी ऐसा नहीं करती भाई, वो तो जिसको मैन पावर को जो काम देती है उसकी जिम्मेदारी होती है, वो उनका अग्रीमेंट होता है, उसके साथ कुछ चीट नहीं हो सकती, ये तो चीट एजेंट कर देते हैं। ठीक है भाई। गणेश हरिशंकर बोलते हैं सर आपको सजेशन के लिए, इन्होंने मेरे पक्ष में कमेंट किया है, मैंने ये कमेंट आप लोगों को बता रहा हूँ। सर आपको सजेशन के लिए पैसा लेना चाहिए, लोगों को फ्री में खाने की आदत लग गई है, लोगों को झूठ बोलने वाले अच्छे लगते हैं, सच्चाई हमेशा कड़वा ही लगता है। सर मुझे जब भी आपसे काम होगा मैं पहले आपके अकाउंट में आपकी फीस ट्रांसफर करूंगा, उसके बाद ही मैं आपसे सलाह लूंगा। गुड नाइट सर जी। तो भाई गणेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी भावनाओं को समझा। ये सच्चाई है साथियों की, फ्री में तो कुछ भी दे दो अच्छा नहीं लगता यार, शादी में जाते हैं ना कितनी मिठाइयाँ पड़ी सब बेकार, क्या अच्छी नहीं लगती। रेस्टोरेंट में लेके खाओगे ना तो छोड़ोगे नहीं, झूठा नहीं छोड़ोगे, वो अच्छी लगती क्योंकि पैसे दिए, समझ रहे हो बात। हो सकता है मेरा एग्जांपल आपको बुरा लगे, आप नीचे कमेंट करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है। ठीक है, जो इंसान लाख रुपए देके विदेश जा रहा है उसका वीजा या ऑफर लेटर है, मेरे को सेंड कर देता है, मैं मेरा ट्रांसफर करता हूँ मैसेज सर 500 रुपये दीजिए, भड़क जाता है 500 रुपये की चीज के। अरे भाई आप लाख रुपए खर्च करके जा रहे हो उस पर आपको विश्वास नहीं है तो मेरे को आपने वीजा मैसेज क्यों किया, व्हाट्सएप को ऑफर लेटर क्यों किया, फिर हद करते हो यार। वही बात है भैया, बिल्कुल सही है, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, झूठ बोलने वाले लोगों को ज्यादा पसंद आते हैं क्योंकि उनमें चिकनी चुपड़ी बातें होती हैं और लोगों को वही बातें अच्छी लगती हैं, इसलिए लोगों को जो अच्छी बात जो सही बात होती है वो हमेशा कड़वी लगती है। लोगों के कमेंट भी आते हैं 500 रुपये मांग के उनको बम टूट जाता है, जैसे आतंकवादी ने बम फेंक दिया, अफसोस की बात होती है। 500 रुपये के लिए इतना तो आदमी को सोचना पड़ता है, लोग बोलते हैं सर सोच के बताऊंगा 500 रुपये के लिए, एजेंट को लाख रुपए दे रखे हैं उसके बारे में नहीं सोचता हूँ। लेकिन कोई नहीं, इस पे अलग से वीडियो में भी एक दो दिन में डाल दूंगा, कुछ बातें हैं, कुछ कमेंट आए थे उसके ले लेते हैं। ठीक है भाई, आगे एक भाई हैं दुर्गेश कुमार जी, वकील साहब मुझे थोड़ा गाइड कीजिए किस प्रकार कानूनी रूप से कनाडा जा सकता हूँ, वर्क परमिट और जेब भी डिली ना हो, क्योंकि जेब डिली होने की वजह से कनाडा जाने की सोच रहा हूँ, कृपया जवाब जरूर दे, नहीं तब फोन नंबर दे ताकि तसल्ली कर सकूँ। तो भाई देखिए, जेब डिली है कनाडा जाना चाहते हो अच्छी बात है, कनाडा जाओगे तो पैसा तो लगेगा, वीजा का भी लगेगा, इमिग्रेशन लगेगा, लॉयर फीस लगेगी, कंपनी भी पैसा लेगी, एजेंट है बीच में वो भी पैसा लेगा, प्लेन की भी टिकट लेगी, खर्चा तो लगेगा। ऐसा नहीं कि जेब डिली अपनी है तो अपने को कोई फ्री भी भेज देगा, इस बात को दिमाग से निकाल दें, पैसा लगेगा। लीगल तरीके से जाओगे तो 5-7 लाख रुपये आपका सिस्टमेटिक लग जाता है, एजेंट के धक्के आते हो तो 15-20 लाख रुपये भी लग जाते हैं। बाकी कनाडा से रिलेटेड भाई मेरे पास कोई जेब है नहीं, होगा तो आपको भविष्य में जरूर बताऊंगा। ठीक है भाई। सूर्या के बोलते हैं, दिनेश कुमार जी बोलते हैं सर आपकी LLB ओरिजिनल है क्या? तो भैया आप लगा के देख लो अपने नाम के आगे, लोग बता देंगे कि भैया क्या है ये, अपने वर्ड के आगे लगा लो ना, दिनेश कुमार डॉक्टर दिनेश कुमार, लोग पूछ लेंगे भैया क्या है ये। भैया LLB होती है डिग्री, और डिग्री जिस बंदे ने किया है ना वही लगा सकता है, ऐसे कानूनी रूप से इलीगल है, आप जो काम आपके पास जिसकी अथॉरिटी नहीं है वो काम आप नहीं कर सकते। आपके आगे एक बार लगा के देख लो डॉक्टर, फिर देखते हैं क्या होता है, समझ रहे हो बात। LLB ओरिजिनल है इसीलिए लगाते हैं, समझ रहे हो बात। ओके भाई, आगे मोहम्मद नदीम बोलते हैं सर मुझे पूछना था कि वीजा ऑन अराइवल वीजा में क्या डिफरेंस है, और ऑन वीजा में एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ऑफिसर से मीट करना होता है क्या, ऑन अराइवल वीजा में पे करना होगा? देखिए भैया, वीजा और ऑन अराइवल वीजा में डिफरेंस, ऑन अराइवल मतलब है एयरपोर्ट पे गए वहाँ पे पासपोर्ट में स्टैंप लग जाता है, वही वीजा आपका मान्य होता है, उसका कोई फीस नहीं लगता। एक वीजा पेपर वीजा होता है जिसे जाने से पहले आपको वीजा निकाल के उसकी फीस पे करनी पड़ती है, वो वीजा होता है। वह वीजा बहुत तरीके के होते हैं, मैंने एक वीडियो बताया 16-13 तरीके के वीजा होते हैं। ऑन अराइवल वीजा बहुत सारी कंट्रियों ने फ्री कर रखे हैं, उनका पैसा नहीं लगता, पासपोर्ट में मोहर लग जाती है, वो वीजा मान्य होता है और ऑफिसर से मीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, डिपार्चर जहाँ पे आप जाते हो ना बोर्डिंग पास वही वो वीजा लग जाता है।
मोहम्मद नदीम आपसे बोलते हैं, सर अगर हम विजिट वीजा में 90 दिन के लिए जाते हैं, वहाँ हम फर्स्ट मंथ में वहाँ की गर्ल से मैरिज कर लेते हैं, तो क्या 60 दिन के अंदर सिटीजनशिप मिल जाती है? भैया बहुत कम टाइम ले लिया यार आपने, 60 दिन में सिटीजनशिप, फिर तो इंडिया खाली करवा दोगे आप? ऐसा कुछ नहीं है, कम से कम 8-10 साल का प्रोसेस होता है, हर कंट्रियों का अलग अलग है। जैसे मलेशिया में 10 साल रहोगे तो सिटीजनशिप मिल सकती है, दुबई में है तो वहाँ के बस वीजा आगे से आगे रिन्यू करवाते रहो, रहते रहो, फिर आप वहाँ पे सिटीजनशिप अप्लाई कर लो। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि वहाँ गए शादी करें सिटीजनशिप ले ली वहीं सेटल हो गए, ऐसा रूल नहीं है। ठीक है भाई, अवतार कुमार बोलते हैं, भाई हमने आपकी फीस भी पे कर दी है पर आप हमारा फोन रिसीव क्यों नहीं करते? सिर्फ आपने एक बार फोन उठाया, उसके बाद आपने फोन नहीं उठाया। भैया देखिए अवतार कुमार जी, माफी चाहता हूँ, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे जो सिस्टम ये हो गया कि जो ज्यादा फर्जी फोन भी है उसी फोन में आ रहे हैं, और आप जैसे 2-4 लोग जो फीस देते हैं महीने में वो भी उसके साथ में आ जाते हैं, काम होता है फोन अटेंड नहीं कर पाता। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, अलग से नंबर दे रहा हूँ, नंबर मैंने परचेज कर लिया है, वो नंबर उनको मिलेगा जो फीस दे चुके होंगे, जो डायरेक्ट उसको कॉल रिसीव नहीं करने की समस्या नहीं आएगी, वो नंबर जल्दी मैं आपके साथ प्रोवाइड शेयर कर दूंगा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है भाई, मेहरुद्दीन अंसारी बोलते हैं, सर ये बात सही है क्या, वीजा फ्री, खाना फ्री, रहना फ्री, टिकट फ्री, सब कुछ कंपनी के सब फ्री फ्री खरीदा? बिल्कुल भाई, आपको अगर किसी ने बोला है तो आप एक बार ट्राई करके देखिए, आपको पता लग जाएगा। थोड़ी भाई थोड़ी तो शर्म कर लो, इतनी बड़े आप समझदार आदमी हो, फ्री मिल सकता क्या? जहर मौत के लिए जहर भी लोग है ना, उसका भी पैसा देना पड़ेगा मरने के लिए, बोलते हैं मौत भी फ्री में नहीं आती, उसका भी पैसा लगता है, समझ गए बात को? कुछ फ्री नहीं होता, ये तो लोग बेवकूफ बना के पैसा इतने का तरीका है। आप जैसे लोग लालची लोग हो ना, वो उसके झांसे में तभी आते हो जब आपको सब कुछ फ्री में दे, समझ गए बात को? कड़वी है लेकिन सच्चाई है भाई, एक्सेप्ट करना है तो करो वरना अपनी मर्जी, समझ गए बात को? कुछ भी फ्री नहीं है, बेवकूफ बनाया जाता है। स्वतंत्र व्यायाम बोलते हैं, किसी व्यक्ति पर अगर कोई मुकदमा चल रहा हो तो पासपोर्ट कैसे बने? वेरी सिंपल है, मुकदमा हटवा लो पासपोर्ट बन जाएगा। अगर आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है तो राजीनामा करो, या उसको NOC लो कोर्ट से, अगर मुकदमा खत्म होने के बाद NOC लो, पासपोर्ट जमा करो, जब आपकी इंक्वायरी आएगी NOC लेटर लेके आप पासपोर्ट में पुलिस थाने में जाओ तो आपका पासपोर्ट बन के आ जाएगा, वरना तो ये नो चांस। जब तक आपका मुकदमा पेंडिंग है, चल रहा है, आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता, चाहे वो मुकदमा छोटा सा ही हो, चाहे 151 में हो, नॉर्मली आपको लड़ाई झगड़े में गिरफ्तार किया हो, उसका समाधान नहीं होगा तब तक पासपोर्ट नहीं बन सकता। कोई अगर बोलता है तो 420 में और दिक्कत हो जाएगी, भैया ऐसा काम नहीं करना। तो साथियों ये आपके कमेंट थे, मैंने आंसर दिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर रोज नई वीडियो नई जानकारी के साथ आप मिलते रहे। साइड में जो बेल आइकन प्रेस, इसको भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे मैं नई जानकारी आपको डालूं, नई नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, सही जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।